यू नो इट्स टू मी इट्स लाइक अ इंसल्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, टू मी इट्स लाइक इंसल्ट टू पाकिस्तान इटसेल्फ के आप कह रहे हो जी हम शेफ भेज रहे हैं। और अच्छा ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हवाला दे दिया जी कि ऑस्ट्रेलिया भी जो आई थी तो उन्होंने भी कहा कि जी एक चीज जो मिसिंग थी हमारी वो ये थी कि हमें अपना शेफ लाना चाहिए था। इंग्लिश मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि इंग्लिश टीम जो है वो अपना शेफ साथ लेकर आएगी, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड जब वो T20 के लिए आए थे तो उनके पेट खराब हो। अच्छा बिल्कुल, तो अब वो तकरीबन 26-27 दिन का उनका टूर होगा ना, तो वो अपना शेफ साथ लेके आएंगे। शेफ तो वहां से आ जाएगा, मसाले वसाले तो यहीं के इस्तेमाल होने हैं। पता नहीं वैसे वाकई सीरियसली आप वो मसालों को भरोसा नहीं होता कोई कंटेनर, ये अगर देखा जाए तो बड़ी बेइज्जती है। सीधी सी बात है कि वो अपना कुक वहां से साथ लेके आ रहे हैं यार, तो पीसीबी को भी सोचना चाहिए। और यार लाहौर वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये होटल्स वाले, ये लोग मुझे समझ नहीं आ, कभी कभी यहाँ पर भी जो कोई केस खुला होता है किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया, पता नहीं खिलाड़ियों को क्या खिला। देखा आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड का भी हाल ही में एक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान आया है कि वो पाकिस्तान के लिए जो अपकमिंग टूर है टेस्ट सीरीज का, उसमें वो अपने जो सैफ हैं कुक हैं वो खुद लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो इंग्लैंड का टूर अभी किया था T20 वर्ल्ड कप से पहले, 7 T20 सीरीज़ की जो एक मतलब सीरीज़ थी जिसमें कि आपने आपको पता होगा इंग्लैंड वो सीरीज़ जीता था, उसमें वहाँ इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का काफ़ी पेट खराब हुआ था और उनको उस क्वालिटी का खाना नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो यार इसको लेकर भी पाकिस्तान में क्रिकेटर्स काफ़ी लाइट जवाब दे रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। परेशानी है पाकिस्तान में पाकिस्तानी खानों से कि अब वो शेफ भी साथ आ रहे हैं भाई, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी जो यहाँ पर T20 सीरीज़ खेल के गए थे 7 मैच की वर्ल्ड कप से पहले के जी, उसमें मतलब जो उनको खाना सर्व किया गया वो मतलब बुरा नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से जो उनकी डाइट है उस हिसाब से नहीं था और ये था वो था, तो अब जो है जी शेफ साहब उनके साथ आएंगे। ये बड़ा अनहर्ड सा है कि क्रिकेट में आप ये चीज़ सुने कि जी कोई शेफ हुआ होगा पहले, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा स्ट्रेंज सी चीज़ है। एंड बेसिकली व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, लाइक आई डोंट टू से दिस, लेकिन यार जो टीमें आती है पाकिस्तान दे स्टे एट द बेस्ट होटल्स इन द कंट्री एंड दे कैन इजली हैव व्हाटएवर दे वांट, दे कैन इफ दे वांट अ पर्टिकुलर डाइट। 5-star होटल्स में इंटरनेशनल शेफ्स होते हैं भाई, मतलब वो स्टार वाले शेफ होते हैं, कोई मजाक नहीं होता, आप उनको आराम से कह सकते हैं ये चीज़ें मुझे आप तैयार करके दें। तो यू नो इट्स टू मी इट्स लाइक अ इंसल्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, टू मी इट्स लाइक अ इंसल्ट टू पाकिस्तान इटसेल्फ के आप कह रहे हो जी हम शेफ भेज रहे हैं। और अच्छा ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हवाला दे दिया जी कि ऑस्ट्रेलिया भी जो आई थी तो उन्होंने भी कहा कि एक चीज़ जो मिसिंग थी हमारी वो ये थी कि हमें अपना शेफ लाना चाहिए था। और मजे की बात यह अगर आप चले जाए जब से मतलब 7 मैच सीरीज हो रही थी T20 की, तो मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, और पीसीबी ने भी उसमें कुछ चीज़ें डाली थी कि जी जिसमें मुईन अली तारीफ कर रहे हैं खानों की, तो लियाम लिविंगस्टोन कह रही थी मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, वो कह रहा है मुझे टिक्का बड़ा पसंद है, और इंग्लैंड प्लेयर्स इन लव विद पाकिस्तानी फूड वगैरह ये सब चला था उस वक्त, और वो इतने लव में थे पाकिस्तानी फूड से कि अब अपना शेफ साथ लेके आ रहे हैं। बंदा भी जिसका नाम आ रहा है उमर करके, इसका नाम है कोई उमर मिजान। अच्छा ये बंदा जो है ये मतलब इंग्लैंड फुटबॉल टीम के साथ रह चुका है एज शेफ इन द लास्ट वर्ल्ड कप इन 2018 एंड इन द 2020 यूरो कप ऑल्सो, सो ही इज नाउ गोइंग टू ज्वाइन द क्रिकेट टीम। अब इंग्लैंड की तरफ से आप मतलब आई कैन टेल यू दिस क्लियरली कि बात यही आएगी कि जी वो सिर्फ ओवरसी करेगा, सुपरवाइज करेगा वारा वारा करके, लेकिन बहर आई मीन देखें मैं जो हमेशा बात करता हूँ ना कि यार ये तो ये IPL था जिसकी वजह से ये जो पैसा आया क्रिकेट में सब कॉन्टिनेंट में 96 के वर्ल्ड कप के बाद जो दालमिया वगैरह और टेलीकॉम ने मिलकर जो पैसा वर्ल्ड कप को मतलब पैसा फर्स्ट टाइम जो आया क्रिकेट में, सही मानों में लोगों की आंखें खुली कि यार आप इतना कमा सकते हैं क्रिकेट में, ब्रॉडकास्टिंग से इतना कमा सकते हैं, प्लेयर्स को इतना मिल सकता है, तो उसके बाद से जो है मतलब इनका एटीट्यूड चेंज हुआ ये इंग्लैंड प्लेयर्स, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वगैरह का, न्यूजीलैंड प्लेयर्स का, वरना तो भाई इससे पहले तो यही हरकतें होती थी कि हर चीज़ को बुरी लगती थी यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, और उसका ये जो एक नया हमने देखा। लेकिन आज मोइन अली ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है उनका ये कहना है कि भाई लाहौर जो है लाहौर के खाने अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में लाहौर में खाना अच्छा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए जो हम अपना शेफ जो है वो ला रहे हैं, उन्होंने जो अपना जो कुक है उसको साथ ला रहे हैं वो लोग, अब यहाँ से अंदाजा लगा लें। और पीसीबी ने इस पर जो है वो थोड़ा एतराज भी उठाया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई क्या करें, कराची के खाने तो अच्छे हैं लेकिन लाहौर का जो खाना है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए जो हम अपना कुक जो है वो हम अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो आप ये अगर देखा जाए तो बड़ी बेइज्जती है, सीधी सी बात है कि वो अपना कुक वहां से साथ लेके आ रहे हैं यार, तो पीसीबी को भी सोचना चाहिए। और यार लाहौर वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये होटल्स वाले, ये लोग मुझे समझ नहीं आ, कभी कभी यहाँ पर भी जो कोई केस खुला होता है किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया, पता नहीं खिलाड़ियों को क्या खिला दिया। ये बात हकीकत है कि मोइन अली ने ये बोला है कि भाई खाने अच्छे नहीं होते हैं लाहौर के, उन्होंने बोला कि कराची का खाना विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा होता है लेकिन लाहौर वाले खाना अच्छा नहीं देते हैं, इसलिए जो हम अपना जो कुक साथ लेके आ रहे हैं। उन्होंने अपने कुक की जो पिक्चर है वो भी उन्होंने शेयर की हुई है लोगों ने। दूसरी तरफ जो वो इंग्लैंड टीम ने ऐलान कर दिया कि हम जो है वो अपना शेफ जो है वो साथ लेकर आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान का टूर करते
कर गए थे, वो यहाँ पर खानों से जो यहाँ के सेटिस्फाइड नहीं थे। स्पेशली मोइन अली ने लाहौर के खाने का कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं है लाहौर के, अगर आप देखो खाने अच्छे हैं इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन अनारकली बाजार वो ठीक है, लाहौर के खाने अच्छे, लेकिन थोड़े से ना देसी खाने बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो इंग्लैंड को उस तरह के पसंद नहीं आ रहे हैं। इंग्लैंड को बड़ा इस बार तुम पिशावर लेके जाओ, पिशावर में इनको जो है वो कच्चा गोश्त खिलाओ। पिशावर का भी टेस्ट है लेकिन वो उनको शायद वो पसंद आ जाए। अच्छा थोड़ा बताते हैं कि हुआ क्या सीन है इंग्लैंड का, क्योंकि एक्सपीरियंस पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं रहा। इवन अली हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जब आया था उनको बहुत अच्छा लगा, तो तारीफें कर करनी थी। बारबी क्यों खूब खा रहे थे रेस्टोरेंट्स में जाके, स्टीवन स्मिथ और जितने खिलाड़ी थे वॉरन वगैरह खूब बारबी क्यों खा रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो अपना शेफ लेकर आएंगे T20 सीरीज। और अनोखी खबर, बिकॉज ऑब्वियसली जब देखें इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा होगा तो डेली कुछ ना कुछ खबरें आएंगी। एंड इंग्लिश मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि इंग्लिश टीम जो है वो अपना शेफ साथ लेकर आएगी, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड जब वो T20 के लिए आए थे तो उनके पेट खराब हो। अच्छा बिल्कुल, तो अब वो तकरीबन 26-27 दिन का उनका टूर होगा ना, तो वो अपना शेफ साथ लेकर आएंगे। हाँ लेकिन ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं ये नॉर्मली हमारे वहाँ पे खाने खाते हैं ये इंग्लैंड में। yes, और आई मीन उनको पसंद भी बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम जब प्लेट ऑफ आया था यहाँ पे 2005 या 6 की सीरीज थी, एनजी भाई कप्तान थे, ये हो गया टॉप हो गया, ये तो हम साथ खाने खाते थे और ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बिरयानी बहुत शौक से खाती थी, स्पाइसी होती थी शौक से खाते थे, कढ़ाइयां बड़ी शौक से खाते थे ये लोग। बिल्कुल, ये नई वाली जनरेशन है ना, ये अच्छे नहीं खाए पिए। अच्छा वैसे अगर अगर आप इंग्लिश इंग्लिश सोसाइटी को, इंग्लिश सोसाइटी को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इंडियन फूड साउथ एशियन क्विजीन इज प्रीटी पॉपुलर। मुईन अली जब अभी यहाँ पर आए थे व्हेन ही वाज हियर लास्ट टाइम फॉर द T20 सीरीज, उनसे जब कराची और लाहौर के फूड का कंपैरिजन भी किया गया था तो आपको याद हो, उन्होंने बड़ा एक मजेदार सा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, उन्होंने कहा था कराची का फूड इज बेटर, लेकिन कुछ गालिबन उनको कुछ चीजों के हवाले से जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहां पे कुछ मसाइल वगैरह था, कुछ रिजर्वेशन थी उनकी, और उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि इस डिबेट को ही किल कर देते हैं, अपने साथ वो शेफ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है फिर अच्छे खाने खिलाएं, मेरे ख्याल से हो सकता है ये किसी लाहौरी की साजिश हो कि इस बहस को ही खत्म कर दिया जाए। आखिर लाहौरी खाने को अपना शेफ कैसे कहा क्या, लाला भी तो रेस्टोरेंट चला चुके हैं, लाला अभी भी शेफ तो वहां से आ जाएगा, मसाले तो यही इस्तेमाल उन्होंने पता नहीं वैसे वाकई सीरियसली वो मसाले। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से रिएक्शन दिया जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड है कि वो अपने कुक शेफ साथ में लेकर आएंगे, तो उसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकारों को मिर्ची लगी। हालांकि मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है हार्दिक पांड्या भी अपना कुक खुद लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का जो, जैसे अभी न्यूजीलैंड के टूर पर है टीम इंडिया, तो वहाँ का उनको फूड शूट नहीं करता है या वहाँ के उनको शेफ का खाना पसंद नहीं आता है, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि अपना अगर वो शेफ ले सकते हैं तो ले चलते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये किया है तो डेफिनेटली कोई गलत नहीं किया है। इंडियंस में पहले जब टूर होते थे तो ऐसा किया जाता था, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात ऐसा लग रहा है दिल पर लगी, और ऑब्वियसली कुछ इंडियन इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि यार पाकिस्तान के कुक या पाकिस्तान का जो क्वालिटी, खाने की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ रीज़न नहीं होगा यार, पाकिस्तानी कुक होंगे वो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से खाना बना रहे होंगे, और जो इंग्लैंड के कुक होंगे वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जो पसंद है वैसा खाना बनाएंगे, इस वजह से ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।